इस समय विधानसभा में आजम साहब से सीनियर कोई भी सदस्य नहीं है और समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करते दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। रविदास मेहरोत्रा आपसे मिलने आ रहे हैं, ऐसी खबर आ गई। अभी हमारी बात हो जाने के बीच में है। तो देखिए तो यहाँ के बाद जाने के बाद वैसे तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था, और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री जरूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी नेताजी की बहुत नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही, इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे, अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, सब हो गई है। देखिए अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। बीजेपी में समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे या नया मोर्चा बनाएंगे? तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही, इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे, अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, सब हो गई है। देखिए अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। बीजेपी में समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे या नया मोर्चा बनाएंगे? आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी अभी पहले जेल से बाहर आने दो शुक्ल जी, और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है। शुक्ल जी, आजम खान जी जो है 26 महीने से अधिक से समय से सीतापुर जेल में बंद है, समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी को जिस तरह से संघर्ष करना चाहिए उस तरह से उनका संघर्ष नहीं दिख रहा है। आज आप दूसरी बार मिलने आए हुए हैं, अखिलेश जी खाली मात्र एक बार आए हुए हैं, क्या कहेंगे सर इसका सियासी माने कुछ देखा जाए? देखिए वही तो मैंने अभी कहा, आपसे कहा है आजम भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। इसी की पहचान थी समाजवादी की, आंदोलन संघर्ष, यही तो समाजवादी की पहचान थी। आपके साथ जा रहे हैं ये तो समय बताएगा, समय का इंतजार करिए, समय बताएगा, और जब उचित तब बात सामने आ जाएंगी, सब बातें आपको बता दी जाएंगी। अब मुझे पता नहीं है, मुझे आज मैं